चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से, भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं। वेट से भरा एमपी सरकार का पेट्रोल डीजल शराब से 2,250 करोड़ से ज्यादा का कमाई हुई है। वेट से भरा है एमपी सरकार का खजाना, हर सेक्टर में 100% से ज्यादा वसूली हुई है। जीएसटी ने 3,910 करोड़ अधिक दिए हैं, माइनिंग में भी 2,000 करोड़ रुपए अधिक एकत्रित किए हैं। एमपी में जीएसटी कलेक्शन अब तक सर्वाधिक हुआ है। 2020-21 में 42,599 करोड़ मिले थे, 2021-22 में 49,039 करोड़ के लगभग मिले हैं। एमपी सरकार का खजाना वेट से अब भरा है पेट्रोल डीजल और शराब से 2,250 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है, हर सेक्टर में 100% से ज्यादा वसूली हुई है। जीएसटी ने 3,910 करोड़ अधिक दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी, एमपी सरकार का खजाना वेट से भर गया है, 100% से ज्यादा वसूली हुई है। अगर हर सेक्टर की बात करें, पेट्रोल डीजल शराब जीएसटी, हर चीज में जो है सरकार का खजाना भर दिया है अब वेट से। देखिए, जिस तरह से यदि खजाने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये वर्ष सरकार के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जीएसटी और सारे कलेक्शन हैं उनने कहीं ना कहीं जो है सरकार का खजाना भर दिया है। लेकिन इस बीच महंगाई भी लगातार जो है बढ़ती जा रही है और लोगों को परेशान क्यों हुए, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसके अलावा अभी बिजली के जो बिल है, बिजली के जो दाम हैं उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई, तो लगातार महंगाई बढ़ने के बीच में भले लोगों के दिन भले ही अच्छे ना आए हों, लेकिन राज्य सरकार के जो दिन हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे आए, क्योंकि जिस तरह से जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो 100% से भी अधिक का हुआ है। जिस तरह से यदि शराब की बात की जाए तो शराब से ही लगभग 2,000 करोड़ रुपए शराब पेट्रोल डीजल से सरकार को अतिरिक्त मिले हैं। इसके अलावा जो बैट की जो वसूली है, जो बैट की यदि बात की जाए तो बैट में भी सरकार का जो टारगेट था उससे ज़्यादा ही सरकार को पैसे जो है उनके खजाने में जमा हुए हैं। जीएसटी में लगभग 3,910 करोड़ अतिरिक्त जमा हुए हैं। तो जिस तरह से यदि बात की जाए सभी खर्चों की, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो टारगेट है वो पिछली बार जिस तरह से 2020 और 21 में 42,599 करोड़ था, तो वहीं अब जो है 2021-22 में वो 39,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अच्छी खबर है कि जिस तरह से जो टैक्स से जो सरकार की कमाई बढ़ी है। जी पूनम जी, बिल्कुल, सरकार की जो है कमाई इन सभी चीज़ों से बड़ी है। नीरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो वेट से मध्य प्रदेश सरकार का खजाना भर गया है, ये 2,250 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हुई है। जीएसटी, पेट्रोल डीजल शराब, माइनिंग में भी 2,000 करोड़ रुपए अधिक एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि सरकार का खजाना कहीं ना कहीं खाली, लेकिन अब वैट हो जीएसटी, तमाम चीज़ें इन सभी चीज़ों से जो है वैट के जरिए सरकार का खजाना भर रहा है। और लगातार हम देख भी रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं हर क्षेत्र में, जो है चाहे हम जीएसटी की बात कर लें, पेट्रोल डीजल की भी अभी बात करें तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। यानी कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी खजाना भरा है, आगे भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकार का खजाना और भी भरेगा।